हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे हैं आज जो औद्योगिक विकास है उसका सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हमने कर लिया था। जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सारे लिखा करो, और क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव वाले हैं अपनी तरफ से जब पढ़ो तो बनाया करो कि किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ये औद्योगिक विकास का आज जो हम करने वाले हैं उसके अंदर में जो मेजर रहेगा वो एक तो औद्योगिक विकास नीति रहेगी 2019 के अंदर में आई थी, एक रिको क्या है जो संस्था बनाई गई है वो सीधा पूछते हैं 5 नंबर के अंदर में, उस पर स्पेशल ध्यान देंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा राजस्थान का जो इन्वेस्टमेंट के प्रमोशन स्कीम आई है 2022, 2019 में आई थी पहला, उसके बाद में अभी 2022 वाली जो स्कीम है ये पूछी जाएगी अगर पूछेंगे तो। इसके अंदर में निवेश के प्रोत्साहन देने के लिए वही सेम चीज़ जो हमने पिछले लेक्चर में करी थी वो सेम चीज़ यहाँ भी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या सुविधा प्रदान करती है राजस्थान सरकार। तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी से शुरू करेंगे, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, यानी जो भी निवेश आता है अपने पास में उसको कौन से क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उससे क्या क्या हमें मिलेगा, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, कब से लागू किया जा रहा है। तो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो स्कीम है, जो राजस्थान का निवेश को प्रोत्साहन देने की जो स्कीम है वो शुरू कर रहे हैं हम, कब से लागू कर रहे हैं। सबसे पहले जो डेट ध्यान में देते हैं अभी लेटेस्ट वाली है उसका क्या है, 7 अक्टूबर 2022 को। तो प्रीलिम्स का भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिप्स 2022 या राजस्थान इन्वेस्टमेंट पूरा भी नाम लिखा जा सकता है, नहीं हो कई बार ऐसे लिख देते हैं रिप्स 2022 कब से लागू की जाइए राजस्थान के अंदर में, तो 7 अक्टूबर 2022 से लागू की गई। 2019 के अंदर में इसका पहला आया था प्रारूप, पहली बार लागू किया गया था। अब 2022 में रिप्स 2022 शुरू किया गया है इसको। राज्य में देखो तीव्र सतत और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, क्या है औद्योगिक विकास। ऑब्वियसली बात है कि जो औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके अंदर में अगर हम निवेश बढ़ा रहे हैं तो किसका क्या होगा कि हम सस्टेनेबल तरीके से संतुलित बैलेंस्ड तरीके से एक तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्री को डेवलप करना है, जितना भी औद्योगिक विकास करना है। अब इसके देखते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है। डायरेक्ट आपके पास में पॉइंट है 5, ऐसे याद कर लिया करो, पूरा 5 नंबर वहां पे लिखने में बहुत काम आएंगे। पहला क्या है, 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास करना। अब जो निवेश कर रहे हैं उससे हमारे जो एक मिनिमम गोल सेट करते हैं, कितने गोल तो होने ही चाहिए, वो क्या है हमारे पास में कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र है उनके विकास की दर हमने प्रतिशत कर दी है 15% के से वार्षिक वृद्धि दर तो इनकी होनी चाहिए, ठीक है, विनिर्माण की और सेवा क्षेत्र की। ये हमने नहीं देखा है, ध्यान दिया होगा आपने, टोटल हमने करंट के देखा था, करंट प्राइस के अंदर में अभी के हिसाब से इसकी जो टोटल विकास दर इंडस्ट्री सेक्टर की देखी थी वो हमारी 15% आ रही थी, लेकिन हमने अंदर के सेक्टर है इनको नहीं देखा है जो काम की नहीं है, लेकिन फिर भी विनिर्माण है, सेवा है, विद्युत है, तो कौन सा कितने दर से बढ़ रहा है। जैसे विद्युत 9% के हिसाब से बढ़ रहा था सबसे ज्यादा, बाकी इनकी जो ग्रोथ रेट थी किसी की तो 3% तक आ गई है ना। तो इस हिसाब से अलग अलग इनके हिसाब सेक्टर पे ध्यान वाइज हिसाब से देखने के हिसाब से देखेंगे कि विनिर्माण और जो सेवा क्षेत्र है उसके अंदर में हमें 15% देखना है। संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास होना चाहिए, ये लाइन तो लिखनी है कि संतुलित होना चाहिए, बैलेंस तरीके से समावेशी क्षेत्रीय विकास होना चाहिए। ज्यादातर रीजनल पे फोकस कर रहे हैं आजकल डेवलपमेंट पे, और याद रखो रीजनल डेवलपमेंट वाला अभी क्षेत्रीय विकास के लिए कोर्स बनाया है, उसकी कितनी राशि अपने पास में 100 करोड़ रुपए की करवाया था ना, दो क्लास, एक पिछली क्लास से पहले करवाया था कि रीजनल डेवलपमेंट के लिए एक हमें कोर्स बना रहे हैं जिसके अंदर में रीजनल क्लस्टर बेस हम अप्रोच देखेंगे कि इस क्लस्टर की कैसे हम विकसित कर सकते हैं, उसका कितना है 100 करोड़ रुपए है, ठीक है। 2027 में आइए, 5 साल तो देंगे कम से कम, तो 2027 तक क्या करना चाह रहे हैं, 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। दूसरा, कोई भी स्कीम आए उसमें ये ध्यान रखा करो, पहले तो गोल क्या है, बेसिक किसके लिए स्कीम है, या तो क्या ग्रोथ रेट बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। उसके साथ में हमेशा ये पॉइंट हमेशा आएगा कि आपको जो भी विकास कर रहे हो, जितना भी पैसा लगा रहे हो, वो संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास में जाना चाहिए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि इससे रोजगार कितने लोगों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा 2027 तक कितने लोगों को, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की सुविधा दी गई है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है नवीन क्षेत्र, जैसे हरित हाइड्रोजन हो गया, अभी अभी आया था, आपने देखा होगा हरित हाइड्रोजन के ऊपर मैं एक वीडियो भी पढ़ा था अपने चैनल पे, वहां पे हरित हाइड्रोजन की बात की गई है। वैकल्पिक ऊर्जा होगी, चिकित्सा उपकरण आदि के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देना, बिकॉज अभी के जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, या बोल दो कि अभी के जो विकसित होने वाले जो उद्योग है वो कौन से हैं, या तो आप हरित हाइड्रोजन पे ध्यान दोगे, वैकल्पिक ऊर्जा पे ध्यान दोगे, चिकित्सीय उपकरण है उन पे अधिक प्रोत्साहन देना है। फिफ्थ पॉइंट हमारा पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना, ताकि क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग इसको हम निवेश, जो जहां भी निवेश कर रहे हैं वो इस तरीके से सस्टेनेबल होना चाहिए, क्लाइमेट के अनुकूल वाले जो उद्योग है उनमें ज्यादा होना चाहिए आपके पास में, या हरित हाइड्रोजन वैकल्पिक ऊर्जा हो गया, आप लिख सकते हो, स्पेसिफिकली भी लगा सकते हो, सौर ऊर्जा में ज्यादा निवेश करना है, जो विंड है पावर उसमें ज्यादा निवेश करना है, तो उन क्षेत्रों में ज्यादा निवेश करना है। तो बेसिकली काम क्या है इसका,
पैसा निवेश जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ाना है अपने को, निवेश करना है और कौन से उद्योगों में किस तरीके से निवेश करना है कि पहला विनिर्माण सेवा क्षेत्रों में विकास दर वार्षिक हमें गोल रखा है 15% होना चाहिए, इंप्लॉयमेंट कितना होना चाहिए अगले 2027 तक 10 लाख लोगों को रोजगार भी देना है, फिर हमें और जो विकास हो रहा है वो संतुलित और क्षेत्रीय विकास सबको मिला के होना चाहिए, सब क्षेत्रों का एक साथ विकास होना चाहिए। अगर हम कौन सी इंडस्ट्री देखें वो देखें तो अभी की जो इंडस्ट्री चल रही है जैसे क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग होना चाहिए विकास, और आपका सौर ऊर्जा विंड पावर इन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, हरित हाइड्रोजन पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये वाली चीजें हमें रिप्स जो है 2022 है अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कब लागू हुई थी, 7 अक्टूबर 2022 का लागू हुई थी, ठीक है। अब इसके अंदर में हमने बोल दिया कि गोल तो सेट कर दिए, कल भी देखा था हमने कि एक विजन रखते हैं हम, पहले गोल देखा जाता है फिर विजन स्पेसिफिकली आंकड़ों के हिसाब से विजन देखते हैं और फिर इसके लिए प्रावधान क्या किए गए हैं कौन से क्षेत्रों में, अब जैसे मैंने अभी बताया था कि सौर ऊर्जा पे विंड ऊर्जा पे ध्यान देंगे तो स्पेसिफिकली कौन से क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है कि आठ श्रेणी है उन पर प्राथमिकता दी जाएगी, कौन सी, विनिर्माण सेवा सूर्योदय क्षेत्र सनराइज सेक्टर जिसको बोलते हैं सूर्योदय क्षेत्र, यानी जो लेटेस्ट अभी की टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है। और एमएसएमई पे ध्यान देना है, स्टार्टअप हो गया, लॉजिस्टिक पार्क बनाना है, भंडारण और कोल्ड चेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमने जो एग्रीकल्चर किया था तब भी बताया था, जो इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री वाले जो प्रोडक्ट है उन पे भी बताया था, फिशिंग सेक्टर किया था तब भी देखा था कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आ रही है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, कोल्ड चेन जो है वो हमारे पास नहीं है, तो भंडारण की सुविधा, कोल्ड चेन जैसे मछलियों के लिए भी 5 हमने यहाँ पे लैंडिंग सेंटर बनाए थे वो क्या है, भंडारण की सुविधा ही तो है और क्या, तो भंडारण की सुविधा हो गई, कोल्ड चेन होगी, अनुसंधान और विकास ये तो आएगा ही आएगा, प्रशिक्षण प्रयोगशाला, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के लिए अनुकूलित लाभ प्रोवाइड करना, तो ये जनरली क्या करते हैं इन सेक्टर में से कोई जो बढ़िया सेक्टर है उसको विकसित करने के लिए पैसे का निवेश करना है अपने को, ठीक है। इसके अलावा थर्स्ट सेक्टर है जो कि इंडस्ट्री के टोटल अगर हम डेवलपमेंट में बोले तो कौन सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है थर्स्ट सेक्टर, तो जो सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है उसी पर फोकस किया जाएगा, सबसे ज्यादा इसके अंदर में हिस्सेदारी किसकी है उन पर फोकस करना, सनराइज सेक्टर पिछड़े क्षेत्र अनुसूचित जाति और जनजाति के अतिरिक्त लाभ, महिला उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ, ये तो पता ही है कैसे एसटी अगर कोई लगा रहा है या वुमेन अगर कोई है जो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर में काम कर रहे हैं, उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, सनराइज सेक्टर में नए वाले सेक्टर है या फिर नवीकरण वाले सेक्टर है तो उनके अंदर में पैसे को निवेश में ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। एमएसएमई के लिए इसके साथ में क्या किया जा रहा है, ब्याज की सब्सिडी भी दी जा रही है, जो एमएसएमई हमने करी थी उसके अंदर में मैंने डिटेल में बताया था कितने परसेंट कितने तक की दी जा रही है, ठीक है, आपका ये आ गया। और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश में प्रोत्साहन एक पैकेज दिया जा रहा है, वो भी इसके अंदर में अपने को शामिल करना है जब हम लिख रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि विनिर्माण सेवा क्षेत्र में हमने बोल दिया कि पैसे का निवेश तो हो रहा है लेकिन अगर 50 करोड़ से अधिक ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पे हम 50 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्रोत्साहन पैकेज है उसके अंदर में क्या क्या ध्यान रखेंगे हमें, एक तो एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, निवेश सब्सिडी या पूंजीगत अनुदान या टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। अब 50 करोड़ रुपए निवेश करो, 50 करोड़ से ज्यादा कोई उद्यमी निवेश कर रहा है तो उसके लिए क्या ऐसा प्रोत्साहन और क्या स्पेसिफिक प्रोत्साहन है, बिकॉज बड़ी इंडस्ट्री हो गई है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जितना भी आप एसेट बनाते हो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर करते हो कुछ भी करते हो उसके अंदर में जो इतना भी पैसा लग रहा है उसके अंदर इंसेंटिव दिया जाएगा। दूसरा, आप निवेश कर रहे हो तो उसमें आपको सब्सिडी दी जा सकती है। तीसरा, क्या कर सकते हो कि जितना भी आपका टर्नओवर है, मान लो आपने उससे 50 करोड़ लगाकर आपने 250 करोड़ की चीज बनाई तो उसके बेसिस पे 10% लाइक उनको आपको इंसेंटिव दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि 10% 250 करोड़ का 25 करोड़ का आपको अनुदान मिल जाएगा। तो इस आधार पे जो 50 करोड़ लगा के आप क्या बना रहे हो, चाहे वो एसेट बना रहे हो चाहे आपका टोटल टर्नओवर क्या है, उस आधार पे आपको इंसेंटिव करके सब्सिडी मिलेगी। दूसरा क्या है, विशेष प्रोत्साहन क्या, रोजगार सर्जन पर अतिरिक्त रिटर्न मिलेगा, हरित प्रोत्साहन, क्लस्टर प्रोत्साहन, थर्मल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण अनुकौशल प्रोत्साहन, सेम चीज है। ये बताइए कि 50 करोड़ से अधिक वालों के अंदर में आपको ये बोल दिया जाए कि प्रोत्साहन पैकेज क्या है, इसको भी आप शामिल कर लेना। अगर आप टोटल में लिखते हैं तो इस तरीके से लगा सकते हैं, वन लाइन में भी लगा सकते हो कि 50 करोड़ से अधिक होने के अंदर में उसमें टर्नओवर के आधार पे या जो एसेट निर्माण किए गए हैं उसके आधार पे उसमें आपको इंसेंटिव या सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा और क्या दिया जाएगा उसमें, विद्युत पे आपको शुल्क दिया जाए, छूट दी जा सकती है विद्युत शुल्क पे, मंडी शुल्क होता है, भूमि कर हो गया, उसमें 7 साल तक देखो 100% छूट दी जा रही है। अगर आप 50 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आपको 7 साल तक 100% आपको जो भूमि कर है जो आपको किराया देना पड़ रहा है, 4 होते हैं फैक्टर प्रोडक्शन, पहला आपने देखा था भूमि के अंदर में किराया देना होता है, उसमें आपको 7 साल तक छूट दी जा रही है, ठीक है, पूरी 100%। स्टाम्प शुल्क है उसमें 75% की छूट दे देंगे हम, और ये स्टाम्प वाला कौन से केंद्र में आएगा, सबसे पहले जीडीपी करवाई थी तब याद है ना, स्टाम्प वाला कहाँ पे इंक्लूड होगा, कोई भी इंडस्ट्री में
प्रोडक्शन जो उत्पादन का एक बार लगता है ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन टैक्स लगता है, स्टाम्प शुल्क लगता है, तो आपका वहां पे सस्ता हो जाएगा, तो प्रोडक्ट सस्ता रहेगा तो उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो वो स्टाम्प शुल्क में 75% की छूट और 25% में, 75% तो टोटल ही कर देंगे और 25% एक बार ही आपको इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट वापस रिबेट कर देगी, आपको वापस पैसा मिल जाएगा। तो ये भी 100% एक तरीके से छूट होगी आपकी। परिवर्तन शुल्क में 100% छूट होगी एक से दूसरी जगह आप चेंज करते हो तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जितना भी आपके लिए जो फैक्ट्री प्रोडक्शन है, जिसे हमने बात करी थी, भूमि किराए की बात कर ली थी, उत्पादन कर की बात कर ली थी, जो भी आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस बढ़ाते हैं उसको कम करने के लिए आपको छूट दी जाएगी। अगर आप एक तो जो अभी क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग वाली सनराइज इंडस्ट्री है या नई वाली टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री उसमें निवेश करते हैं, और अगर 50 करोड़ से अधिक का निवेश करते हैं तो ये एडिशनल बेनिफिट है वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, समझ आ गई पूरी ये पॉलिसी क्या है। इस पॉलिसी को लिखना एक बार क्वेश्चन हिसाब से लिख लेना, इस क्वेश्चन क्या बनेगा इसका आपसे अगर ये पूछ लीजिए, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स है, ये 5 नंबर में आएगा। तो 5 नंबर में इसको कैसे आप कंसोलिडेट करोगे वो आप एक बार क्वेश्चन लिख के देखना। 5 नंबर के अंदर में आपसे आ जाता है कि राजस्थान की निवेश प्रोत्साहन नीति के बारे में चर्चा कीजिए, या ये दिया जाएगा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में राजस्थान के अंदर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जो राज्य के किए गए प्रयासों के बारे में बताइए। ठीक है, तो जो और भी हम आगे करने वाले हैं उसके साथ में निवेश प्रोत्साहन नीति को साथ में लेकर चलते हुए आपको क्वेश्चन लिखना है। समझ आ गया क्वेश्चन क्या लिखना है, इसी नीति के आधार पर लिखना है कि राजस्थान में निवेश जो प्रोत्साहन नीति है 2022 उसके संदर्भ के हिसाब से राज्य के द्वारा निवेश को ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयासों के चर्चा करो। 10 नंबर का आ जाएगा, 5 नंबर के अलग से भी आपकी नीति आ सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ और काम जो गवर्नमेंट कर रही है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना, ये देखो वाहन स्वरोजगार योजना क्या लग रहा है आपको, इसमें एक तो वाहन आ गया, ये आपका दूसरा स्वरोजगार भी है, दोनों काम है, आपको स्वरोजगार भी देना है वाहन भी उपलब्ध कराना है। तो लघु वाणिज्य वाहन से रिलेटेड क्या योजना, 11 अक्टूबर 2022 इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि अभी आई है अपनी एग्जाम से जस्ट पहले आई, 11 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की गई है। 18 से 45 साल के आयु समूह के बीच में आप वाहन से संबंधित है तो 18 और 45 से नीचे का चला नहीं सकता, 45 से ऊपर का वैसे ही नहीं चलाएगा, तो 18 से 45 के बीच वाले के लिए ये योजना लाई गई। क्या है इसमें, 15 लाख रुपए तक के वाणिज्यिक वाहन मूल्य की खरीद पर आवेदक को राज्य सरकार द्वारा ऑन रोड मूल्य का 10% या 60,000 रुपए जो भी कम हो और संबंधित वाहन निर्माता द्वारा एक समान राशि का अनुदान मिलेगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए तक के अगर कोई भी कॉमर्शियल, अगर कोई भी वाणिज्यिक वाहन है, पर्सनल यूज के लिए लेते हो उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर काम करने के लिए यानी वाहन देके आपको कोई भी स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अगर आपके पास कोई भी वाहन होगा, मान लो ट्रक की बात कर लो, आप ट्रक ले लिया, उससे आपको क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हो आप, लेकिन खरीदने का आपके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए क्या है, वाहन खरीद के आप स्वरोजगार ले सको अपना। इसके लिए 15 लाख रुपए तक के अगर वाहन आप लेते हो वाणिज्यिक वाहन, तो उसके अंदर में राज्य सरकार जो ऑन रोड इसकी प्राइस क्या भी रहेगी, ऑन रोड जितनी प्राइस है 14 लाख रुपए 15 लाख रुपए, उस पे 10% की देगी आपको छूट। ठीक है, 60,000 या फिर 60,000 रुपए मैक्सिमम कितना देगी, 60,000 रुपए, इतना ही ये संबंधित वाहन निर्माता है वो आपको छूट देगा, तो डबल मिल जाएगी, यानी कि 10% यानी 20% 10% ये देगा, 60,000 रुपए ये देगा, मैक्सिमम 60,000 रुपए ये आपको छूट देगा। तो इस तरीके से आपको वो वाहन सस्ता दरों पे उपलब्ध हो जाएगा, उससे आप स्वरोजगार का कोई भी काम कर सकते हो। तो अगर आपको वाहन लेके करना है, तो वो काम कौन कौन करेगा, 45 के ऊपर वाले वैसे काम नहीं करेंगे, 18 से नीचे वालों को वाहन चलाने नहीं देंगे, तो 18 और 45 साल के बीच वाला। ठीक है, समझ बात, सात और ये 11 अक्टूबर 2022 को योजना आई है। ठीक है, अब अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी और उद्यम प्रोत्साहन योजना। दलित और आदिवासी के उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए स्पेसिफिक योजना जो आई है वो कौन सी है, भीमराव अंबेडकर की योजना है। राज्य के गैर कृषि क्षेत्रों में ये सेम ही चीज होगा कि विकास में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 8 सितंबर 2022 को ये घोषणा हुई है। 8 सितंबर 2022, कोई पुरानी नहीं है, लेटेस्ट योजना है सारी की सारी, कोई सी भी कभी भी पूछी जा सकती है, अच्छे से याद करना इनकी डेट 8 सितंबर 2022 को है। किसके लिए है, नाम से पता लग जाएगा आपको, दलित और आदिवासी उद्यम है उनके प्रोत्साहन देना है। कौन से क्षेत्रों में, गैर कृषि क्षेत्र के अंदर में, जो विनिर्माण सेवा व्यापार इनके अंदर में इनकी भागीदारी बहुत है, कम है। इसलिए क्या है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो भी आप योजना है उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। कब शुरू की गई थी, 8 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। एससी एसटी के वर्ग के उद्यमियों को मिलेगी ब्याज सहायता। अब ये इसमें क्या सपोर्ट कर दोगे एक्स्ट्रा जो आपको मिल रही है, वो सेम एमएसएमई की तरह इनके एक
ब्लॉक बना दिए कि इस तरीके के लोन में आपको इतनी फीसदी की आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। ब्याज की सहायता क्या दे रहे हैं, सेम है, 25 लाख से कम है तो उसमें क्या मिलेगा आपको, 9 फीसदी की ब्याज की आपकी सहायता मिल जाएगी। इंटरेस्ट में सब्सिडी कितनी मिल रही है, 9% तक आपको 9 फीसदी तक मिल जाएगी। 25 से अगर 5 करोड़ रुपए के बीच का लोन ले रहे हो तो वही सेम चीज 7 फीसदी मिल जाएगी। 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का लोन ले रहे हो तो आपको 6% के हिसाब से मिल जाएगी, ठीक है। एमएसएमई में किया था उसके अंदर में भी ऐसी तरीके से स्लैब बनाई थी हमने, किस तरीके से अगर सरकार सहायता दे रही है। एससी एसटी के लिए जो अगर बोल दीजिए भीमराव अंबेडकर के हिसाब से राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंदर में क्या है, तो वो सेम ही चीज है कि जितना भी लोन ले रहे हो उसके ऊपर में आपको जो ब्याज देना है उसके अंदर में गवर्नमेंट छूट दे रही है ताकि लोन लेके आप अपना काम कर सकते हो। वो किस हिसाब से करेगी, कितना लोन ले रहे हो उसके हिसाब से। अगर आप 25 लाख रुपए तक का ले रहे हो तो मतलब बहुत ही छोटे व्यापारी हो, तो आपको 9% तक की आपके ब्याज में सहायता गवर्नमेंट भरेगी। उसके बाद 25 से लेके 5 करोड़ तक का ले रहे हो तो 7%, 5 करोड़ से 10 का ले रहे हो तो 6% ले रहे हो, ठीक है। परियोजना लागत का 25% और या 25 लाख रुपए का मार्जिन मनी अनुदान। अब आप बोलोगे ये कहां, जब लोन ले रहे हो उसमें अब ब्याज की सहायता कर रहे हो तो ये जो 25% परियोजना लागत का या 25 लाख रुपए का मार्जिन मनी अनुदान और क्या दे रहे हो। मार्जिन मनी क्या होता है, मार्जिन मनी ये होता है कि अगर आप कोई भी घर ले रहे हो, मान लो घर लेने की बात करते हैं, घर लेते हो आपको लोन लेना है तो कभी भी बैंक आपको 100% लोन नहीं देगा। आपका पड़ रहा है 1 करोड़ यानी 16 लाख रुपए का, अगर आपको लोन पूरा घर लेना है, पूरी जमीन के साथ घर बनाने में आपको लोन लेना है, 16 लाख रुपए आपने बोला एस्टिमेट मेरा लगेगा, तो कभी भी जमीन की कीमत के हिसाब से अगर 16 लाख रुपए की है भी तो भी आपको बैंक कभी भी पूरे पैसे का लोन नहीं देगा कि 16 लाख रुपए ये लो पूरा बना लो, आपको अपनी तरफ से देना वो देगा 80-90% तक, एटमैक्स भी दे देगा। तो कुछ पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। अब जो ये जो पैसा लगाना पड़ेगा लोन देने के बाद, लोन जो अप्रूव किया गया बैंक के द्वारा, इसमें डिफरेंस क्या है, 20% का है, 25% का है, हाईएस्ट 90% लोन देते हैं, इससे ऊपर लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 70% भी दे सकते हैं, तो जितना भी जो अंतर बता आपका 30 लाख रुपए अंतर है, आपका 20 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, तो वो बनता है आपका मार्जिन मनी। अब वो आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट बोली कि जो अपनी तरफ से आपको लगाना पड़ रहा है लोन के अलावा वो हम अनुदान दे देंगे, यानी हाईएस्ट कितना दे देंगे उसमें 25 लाख रुपए का। 5 करोड़ तक दे सकते हैं ना, 5 करोड़ के अंदर में अगर आप कितना बोलोगे 90 लाख रुपए भी आप 90% भी आपको लोन सेंक्शन हो जाता है तो कितने का 4.5 करोड़ का लोन सेंक्शन हुआ, आपको चाहिए फिर भी 50 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट ने बोला उसमें भी मैं 25% या 50 लाख रुपए मैं मार्जिन का मनी का जो भी अनुदान है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। हर जगह आपको होगी सपोर्ट, अब आप आराम से जाके अपना बिजनेस कर सकते हो। तो इंटरेस्ट पेमेंट एक तो करेगी, एक आपको मार्जिन मनी अनुदान दिया जा रहा है 25% 25 के हिसाब से दलित और आदिवासी के लिए। इसका नाम है भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। अब आता है औद्योगिक, अब आते हैं नॉर्मल जो ट्रेनिंग सेंटर हो गए, प्रचार शिविर हो गए, उनको भी देख लेते हैं। औद्योगिक प्रचार शिविर लगाते हैं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, जिला और पंचायत समिति स्तर पर प्रचार शिविरों का आयोजन किया जाता है, मेले हो गए या कोई भी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन हो गया वो कर देंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राज्य के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक सेवा और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के अवसर सर्जित करना। उसके अलावा चमड़ा प्रशिक्षण उद्योग हुए, तो 3 पॉइंट लिखने के लिए मैं लेके आऊँ, बाकी इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। क्या करोगे, औद्योगिक प्रचार के लिए शिविर लगा दोगे, एक प्रधानमंत्री रोजगार सर्जन कार्यक्रम चल रहा है उसके थ्रू भी वही काम करेंगे, ट्रेनिंग देना है, रोजगार सर्जन करना है ग्रामीण और शहरी इलाकों में। चमड़ा प्रशिक्षण उद्योग, जो चमड़े के स्पेसिफिक उद्योग है उनसे आप कितनी क्वालिटी का सामान बना सकते हो उसके लिए भी प्रशिक्षण उद्योग दिया जाएगा, नहीं तो उसके अंदर में वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। तो ये 3 पॉइंट भी के लिए काम किए, ठीक है। उसके बाद आती है दूसरी जो नीति है जो सबसे इंपॉर्टेंट है निवेश प्रोत्साहन के बाद में, वो कौन सी चली, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019। ये 2019 की है, इसके अंदर में 1 जुलाई 2019 को इसको लागू किया गया, 1 जुलाई 2019 को लागू किया गया। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि नई नीति आई नहीं है अभी, 1 जुलाई 2019 को लागू किया। अनुकूल औद्योगिक अवसंरचना, प्रति राजकोषीय प्रोत्साहन देना, इसके अंदर में कॉम्पिटिटिव जो आपको पैसा मिलता है आपको फिस्कल पॉलिसी के हिसाब से उसको प्रोवाइड करवाना। अनुकूल औद्योगिक अवसंरचना यानी कि बेसिक काम क्या है राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति का, कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके अंदर में आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। कुशल वो सही में रहेगा, बाकी तो हर नीति के अंदर में मैंने बताया ये कुशल मानव संसाधन हो गया, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है आपको, ये हर एक के अंदर में लिखना आपको, ठीक है। उद्यमिता नवाचार को प्रोत्साहन देना है, पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए, सतत विकास से संबंधित होना चाहिए, जो भी आप विकास इंडस्ट्री लगा रहे हो वो सारी के सारी उद्योगों का तकनीकी उन्नयन होना चाहिए, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण होना चाहिए, कौशल विकास करोगे, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दोगे, विनियमों के प्रावधान जैसे निरीक्षकों का युक्तिकरण हो गया, उद्योग
समर्थक दृष्टिकोण हो गया, महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास हो गया। इसके अंदर में वो भी लगा सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा विकास जो करना है वो नवीकरण वाले जो उद्योग है, सनराइज सेक्टर है, थ्रस्ट सेक्टर जो हमने निवेश प्रोत्साहन में देखे थे, वो सेम चीज यहाँ पे भी लागू कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई कि विकास, अगर औद्योगिक विकास नीति पूछ ले, चाहे वो वाली नीति पूछ ले, आपको लिखना क्या है, सेम चीज लिखनी है कि किस हिसाब से आपको स्किल डेवलपमेंट भी करना है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराना है, ऐसा इंडस्ट्री होनी चाहिए जिसके अंदर में आपको क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, क्षेत्रीय विकास भी होना चाहिए संतुलित तरीके से। ठीक है, उद्यमिता नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके इस पॉलिसी के अंदर में भी आएगी। ठीक है, बाकी इसमें डिटेल में कुछ है नहीं। तीसरी चीज आती है आपका कॉर्पोरेट जो है सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कि CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफी टाइम हो गया इसको आए हुए, लेकिन फिर भी पूछते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बड़े कॉर्पोरेट जब पैसा कमाते हैं, क्या आपको लगता है छोटे कॉर्पोरेट पे तो कोई बात नहीं करेगा? जब बड़े कॉर्पोरेट आपके 100 करोड़ में प्रॉफिट आ रहा है, जिनका 500 करोड़ में प्रॉफिट हो गया, 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो ये बोल रहे हैं कि जो इंडस्ट्री आपने लगाई है उसके अकॉर्डिंग आप जब 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपका भी एक उत्तरदायित्व बनता है समाज के प्रति का, आप कुछ उसका हिस्सा है वो समाज के उत्थान के लिए लगाओ। तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, सामाजिक जो उत्तरदायित्व है उनको पूरा करने के लिए। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, पर्यावरण का भी यूज कर रहे हो, भूमि का भी यूज कर रहे हो, माना कि आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप जितना भी रिसोर्स यूज कर रहे हो नेचर का, उसके अकॉर्डिंग जितना प्रॉफिट हो रहा है उसके आपके कुछ परसेंट है वो सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि आप उनके अंदर में लगाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी है कि ये सेक्टर है जिसके अंदर में अगर आप एक निश्चित मात्रा से ऊपर कमाते हो, जिसकी हम डिटेल देखेंगे कि कौन कौन को CSR के अंदर में हमें लागू करना है, उस जो लिस्ट दी गई है उस जो क्षेत्र है सारे, जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, ऐसे सेक्टरों के अंदर में आपको वो परसेंट कुछ हिस्सा 2% जो है वो आपको लगाना है जितना भी प्रॉफिट बनता है। अब CSR का पहले देख लेते हैं क्या किसमें, ये बात जो मैंने बोली है वो किसमें लिखी गई है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में दिया गया है CSR की अवधारणा। बिकॉज काफी पुरानी हो गई है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी धारा के अंदर में इसका नाम दिया गया है CSR का, तो कंपनी अधिनियम 2013 था, उसकी धारा 135 है, उसमें CSR का बोला गया। अब उसमें पूरा डिटेल में बताया गया कि कॉर्पोरेट जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उनके अनुसार कौन करेगा, तो उसके पहले देख लेते हैं कौन करेगा। 500 करोड़ या उससे अधिक के निवल संपत्ति है, यानी निवल संपत्ति आपको नहीं समझ आए तो ये बता देना, नेटवर्थ, हर एक होता है ना कंपनी का एक नेटवर्थ होता है कि अगर आज के टाइम पे इसको बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा टोटल, इसके सारे पूंजी का यूज करके, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब यूज करके, तो उसको बोलते हैं निवल संपत्ति, यानी नेटवर्थ क्या है इसका, यानी नेटवर्थ क्या होना चाहिए आपका, 500 करोड़ का होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, उन कंपनियों को करना है ये काम। और अगर आप कारोबार कर रहे हो, कारोबार तो कर सकते हैं ना, नेटवर्थ कम हो गया भी कारोबार तो प्रोडक्ट तो ज्यादा भी बेच सकते हैं, एक साल में अगर ज्यादा प्रोडक्ट बिके तो आपका कारोबार हो जाएगा, तो वो क्या होना चाहिए, 1000 करोड़ का होना चाहिए, वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए कि 1000 करोड़ से ज्यादा का आप टर्नओवर बोल दो या फिर कारोबार हो गया। और किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान 5 करोड़ या उससे अधिक का अगर शुद्ध लाभ कमा रहे हो आप, कितना लाभ कितना होना चाहिए, शुद्ध लाभ अगर आपका बच रहा है, कि कारोबार कम कर रहे हो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपके नेटवर्थ भी अभी इतनी नहीं बनी है, नए नए उद्योग हो आप, लेकिन अगर आप उस दौरान साल के दौरान 5 करोड़ से ज्यादा का शुद्ध लाभ कमा रहे हो, तो उस 5 करोड़ के अंदर में से बाद आपको कितना देना पड़ेगा, 2% राशि है ना वो आपको सामाजिक उत्तरदायित्व को देनी पड़ेगी। किसको, कि अधिनियम में अंदर में लिखा गया है अनुसूची है 7, इस अधिनियम के अंदर में ही जो हम बोल रहे हैं धारा 135 के अंदर में, इसी के अंदर में आपको लिखा गया कि अनुसूची अधिनियम में 7 में लिखा गया है कि कौन कौन सी गतिविधियों के अंदर में कंपनी ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करने की आवश्यकता है। अब कोई कंपनी ये भी बोल सकती है कि मैंने तो अभी 5 करोड़ का किया, अगले साल तो मेरे 2 करोड़ का ही लाभ हुआ था, हर साल कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन इसने बोला है कि पिछले 3 वित्तीय वर्ष के दौरान कितना भी तेरा औसत शुद्ध लाभ हुआ है, अगर वो 5 करोड़ से ऊपर का जा रहा है तो हमें क्या करना है, उसका 2% हिस्सा इसी में अनुसूची 7 के अंदर में जितने भी हमें एक्ट के अंदर में दिए गए हैं कि कौन कौन से सेक्टर, एजुकेशन हो गया, सोशल सेक्टर हो गया, और उनके अंदर में आपको लगाना है। ठीक है, कॉर्पोरेट ये वाला समझ आ गया, CSR क्या है, अगर आता है तो आपको क्या लिखना है, 3 तो आपके पहला तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में दिया गया है, 3 पॉइंट दिए गए हैं, नेटवर्थ आपका 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, आपका टर्नओवर 1000 करोड़ होना चाहिए, और पिछले 3 साल का अगर शुद्ध लाभ आपका हर साल का औसत 5 करोड़ से ऊपर का आ रहा है, तो जो अनुसूची इसके 7 के अंदर में जितने उल्लेखित है गतिविधि उसके अंदर में आपको 2% है अपना हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, उसके अंदर में खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया ये। इसके लिए राजस्थान ने क्या किया, राजस्थान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्राधिकरण का गठन किया है। अब कोई कंपनी मान रही है ये काम, कोई कंपनी नहीं मान रही है, तो उनको सबको चेक करने के लिए कि वो सही तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है काम, राजस्थान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो है प्राधिकरण का गठन किया है, राज्य सरकार ने गठन किया है, कब किया था, 5 नवंबर 2019 को। यहां पे याद करने की बात यह है कि 5 नवंबर 2019 तक तो उन्होंने वेट किया कि कंपनियां कर लेगी, लेकिन कंपनी नहीं कर रही है, 2013 से तब उनको बोले जा रहे हैं, तो कौन सी कंपनी कर रही है, उसका कंप्लायंस कौन सी नहीं कर रही है, उसको चेक करने के लिए हमने यहां पे एक प्राधिकरण
प्राधिकरण गठन कर दिया, उसका नाम राजस्थान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्राधिकरण है। 5 नवंबर 2019 को इसका गठन किया गया। ये नए प्रावधानों के संबंध में उचित मार्गदर्शन भी देता है कंपनी में, अगर कोई चीज चेंज हो जाती है, कल को 2% के बजाय 1.5% कर दिया या कोई नई सूची आ गई जहां पे आप सेक्टर में लगा सकते हो पैसा, कौन से सेक्टर में नहीं लगा सकते हो, कौन सा लगाने में सही है कंपनियों का, वो चेक करना, उनको मार्गदर्शन देना, और जितनी भी राशि हमें प्राप्त हुई है उनको उन बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए किया गया है। तो इसके अंदर में दो है, अगर राज्य सरकार द्वारा गठित बोल दिया जाए, इंग्लिश के अंदर में देख लो यहां पे, अगर ये बोल दिया कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 5 नवंबर 2019 को किया था, काम करना या रजिस्टर्ड बोल दो, ये फाइनली इन्होंने काम करना रजिस्टर्ड बोल दे, कब रजिस्टर हुआ है इसके अंदर, पंजीकृत कब हुआ है, अगर ये बोला जाए आपसे सवाल में, यानी काम करना कब शुरू किया, तो वो 15 मई 2022 को किया है। ठीक है, दोनों यहाँ पे याद करनी पड़ेगी इसके अंदर में, क्योंकि दोनों हमें डाटा दिया गया है। कई बार तो एक ही दिया जाता है, लेकिन अगर दोनों दिया गया, सबसे पहले गठन किया था 5 नवंबर 2019 को, इसके बाद जो कंपनी एक्ट के अंदर में रजिस्ट्रेशन कराना था इसका, वो हुआ नहीं, तो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन हुआ है 15 मई 2022 को। तो कौन सी डेट पूछी जाए उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, और ये काम करना शुरू कर दिया है अब, तो ये कंपनी इसके लिए सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए। ठीक है, अब आता है एक पॉइंट जिसको हमने पिछले एक बार तो इसमें सवाल आया था, पूरा 5 नंबर का पूरा सवाल आया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर में। ठीक है, क्योंकि उस दौरान राजस्थान अपर लेवल में चल रहा था, अभी तो तीसरे लेवल पे आ गया, अगर राज्यों के हिसाब से देखें 3-4 कैटेगरी है, उसमें थर्ड कैटेगरी के अंदर में आता है, तो पूछने के चांस कम है, लेकिन फिर भी हम अगर दिया है तो हम पूरा करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नाम से पता लग रहा है कि कोई भी आप बिजनेस करना चाह रहे हो वो कितनी आसानी से कर सकते हो, वो हमें उसके लिए एक इंडेक्स निर्धारित कर दिया गया, कुछ मापक के आधार पर 10 पॉइंट होते हैं इसके अंदर में। कितने पॉइंट होते हैं इसमें? 10 पॉइंट होते हैं, उनके आधार पे देखेंगे, अभी 10 पॉइंट देखेंगे आराम से, कौन कौन से आधार पे किया जाता है। 10 पॉइंट के आधार पे हम देखेंगे कि आपका बिजनेस करना कितना आसान है, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री बढ़ानी है तो बिजनेस करना बहुत आसान होना चाहिए, कि एक इंसान अगर बिजनेस करना शुरू करता है लास्ट तक है, उसको कितना कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और वो कितनी आसानी से गवर्नमेंट है जो उपलब्ध करवा रही है। ये नेशनल जो इंटरनेशनल लेवल पे कौन करवा रहा है, किसने शुरू किया था? विश्व बैंक समूह ने शुरू किया था, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उसने ये एक रैंकिंग प्रणाली स्थापित करी थी जिसका नाम क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है। ये 10 पॉइंट पे काम करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उच्च रैंकिंग यानी कम संख्यात्मक, जितना उन आधार पे आपको संख्यात्मक मान कम मिलेगा, लेकिन यानी किसी की रैंकिंग 25 है, किसी की 10 है, तो जितना कम संख्यात्मक माना उतना ही उसकी उच्च रैंकिंग मानी जाएगी, और बेहतर व्यवसाय के लिए बेहतर सरल नियम और संपत्ति अधिकारों की मजबूत सुरक्षा। दूसरा ये भी है कि जितना भी आपका काम कर रहे हो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप जो बना रहे हो काम कर रहे हो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो बनेगी आपकी, उसकी कितनी सुरक्षा है और काम करने के जो नियम है वो कितने आपके सरल है, उस आधार पर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। कौन करता है? जो इंटरनेशनल लेवल पे किसने किया था? वर्ल्ड बैंक समूह ने किया था। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए राज्य उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत सरकार की व्यवसाय सुधार कार्य योजना, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, BRAP, जिसको बोला जाता है BRAP। अब उन्होंने बोल दिया, तो राज्य भारत सरकार ने क्या बोला, भारत सरकार की तरफ से कौन है, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड। ठीक है, उसका उन्होंने भारत सरकार ने, अगर उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सारे जो जितने भी स्टेट हैं उनके लिए क्या किया जाता है, BRAP जारी किया जाता है। ठीक है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जारी किया जाता है, उसके अंदर में स्टेट्स को 4 कैटेगरी के अंदर में डिवाइड किया जाता है, कि जितने भी इन इंडेक्स हैं उनके आधार पे हर स्टेट ने कितना काम किया है। ठीक है, तो व्यवसाय सुधार कार्य योजना है जो सारे स्टेट के ऊपर में लागू होती है। अब हम देखेंगे इसमें अंदर देखने वाली बात क्या है, कि एक तो 10 पॉइंट कौन कौन से हैं जिनको देना है, और राजस्थान इन 4 जो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंदर में, उनकी कौन सी कैटेगरी के अंदर में फिलहाल आ रहा है। ठीक है, तो 4 कौन से, सबसे पहला क्या करते हो आप, कि व्यवसाय शुरू करना कितना आसान है। ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करना सबसे पहला पॉइंट यही होता है, कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने कागजात चाहिए, कितने आपको जो अप्रूवल्स चाहिए, वो सारे इसके अंदर में आपके आ जाएंगे। उसके बाद निर्माण की अनुमति यानी कि कंस्ट्रक्शन परमिट्स कितने दे रहे हो आप, कंस्ट्रक्शन परमिट अलोकेट किया जाता है कोई भी काम करने के लिए, अगर कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस के अंदर में हो तो आपको कंस्ट्रक्शन परमिट अलोकेट करने की कितनी होती है। तीसरी चीज़ आपको बिजली प्रदान करना, प्राप्त करना, यानी आप जब इलेक्ट्रिसिटी का उसके लिए कनेक्शन लेते हो तो कितना आपको टाइम लग रहा है, वो कैलकुलेट करेंगे। संपत्ति जो भी बना रहे हो उसका पंजीकरण करना, यानी आप जो भी प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करवाना है, चाहे कहीं भी करवाना है, चाहे आप बेसिक MSME में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, जैसे हमने किया था ना MSME रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आसान करने के लिए सबसे पहला यही आया था कि पंजीकरण करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप जाके खुद ही आप पंजीकरण
पंजीकरण करवा सकते हो। तो किसके लिए किया गया था? इस काम के लिए किया गया था कि जो संपत्ति का पंजीकरण है वो आसान हो उसके, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट प्रदान प्राप्त करना, आपको पैसा चाहिए उसके बाद में काम करने के लिए। आपने क्या किया? व्यवसाय शुरू किया, निर्माण की अनुमति ले ली, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले लिया, अब आपको संपत्ति का आपने ऑनलाइन पंजीकरण कर लिया, सब आसान है। उसके बाद आपको काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो आपको जो बैंकों से लोन ले रहे हो उसके लिए आपको कितना आसान प्रोसेस है, किस आधार पर आपको दे रहे हो, क्या आपको बहुत ज्यादा कागज लेके जाने की जरूरत है, क्या आप ऑनलाइन ये सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, कितने आपने गवर्नमेंट ने प्रावधान किए हैं कि नया बिजनेस है उसको सपोर्ट करने के लिए कितना वो रिबेट दे रहे हैं, जैसे अभी तक देखते हैं हम, ठीक है। तो क्रेडिट प्रदान प्राप्त करना ये हो गया। फिर आपके पास अल्पसंख्यक है उन निवेशकों की रक्षा कर रहे हो कि नहीं, इसीलिए आपने देखा होगा हरी योजना के अंदर में क्या डाला जाता है, एससी एसटी को प्रोत्साहन देना है, महिला उद्यमी उनको प्रोत्साहन देना है, ठीक है, माइक्रो वालों को अलग से सुविधा दी गई है। तो जो अल्पसंख्यक निवेशक है उनकी रक्षा करना, ठीक है। उसके बाद अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? कर जमा करवाओगे। तो कर जमा करने की प्रक्रिया है वो कितनी आसान है, आपको अगर जीएसटी भी अगर भरना है तो इसीलिए देखा होगा आपने कि जीएसटी का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके थ्रू आप खुद ही जीएसटी का भर सकते हो, बहुत आसान, उस प्रक्रिया को भी बहुत आसान कर दिया गया, क्यों किया गया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बढ़ाने के लिए, आपको बिजनेस आसान करने के लिए। पहले क्या करते थे? ऑफलाइन जाके आप भरोगे, ठीक है, अब सारा काम ऑनलाइन कर दिया, आप घर बैठे अपना जीएसटी भर सकते हो, इनकम टैक्स भर सकते हो। तो जो भी आपको कर जमा करना है उसकी प्रक्रिया क्या है वो आपने आसान कर दी है। उसके बाद आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो सीमा पार व्यापार कितना आसान है, इसके अंदर में एक योजना भी आई थी, हमने देखा था कि अगर सीमा पार अगर योजना इसके अंदर में ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर बनाया था जिसमें हमने बोला था कि अगर आप बाहर जाकर ट्रेड करते हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या आपको परमिशन लगेगी, ठीक है। तो उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर जैसे खोल रहे हैं तो वो इसी के अंदर में आता है, सीमा पार व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अनुबंधों का प्रवर्तन, जैसे इसके अंदर में देख लो कि कॉन्ट्रैक्ट जितने भी किए हैं उनको एनफोर्समेंट, यानी आपने किसी एक पार्टी सिंगल बिजनेस एक बंदा तो कर नहीं सकता, मान लो दो तीन अगर पार्टी मिलकर कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इंटरनेशनल के साथ कर लिया या नेशनल किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उनको इन्फोर्स करने के लिए कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उनको डिस्प्यूट को मैकेनिज्म क्या है हैंडल करने की, जो है ना उन कॉन्ट्रैक्ट को अनुबंधों का प्रवर्तन करने की योजना क्या है वो आपके पास होनी चाहिए। फिर आपको दिवालियापन अगर हो गया तो उसका समाधान करोगे, लास्ट तक ले गई है कि अगर वो बिजनेस फिर फेल हो गया मान लो तो दिवालियापन हो गया तो उसके लिए यानी एग्जिट प्रोसेस क्या है, कोई बिजनेस शुरू करते हैं और एक बिजनेस बंद करते हैं, दोनों अलग अलग प्रोसेस होती है। जो बिजनेस बंद करके टोटल दिवालिया करके जिसका जो पैसा है वो कौन करेगा, कितना पैसा वो लास्ट में दे सकता है, ये निर्धारण कौन करेगा, वो अपना बिजनेस बंद कर सकता है कि नहीं कर सकता दिवालिया होके, तो ये चीजें लास्ट तक समाधान करने के लिए इस तरीके के पूरे बिजनेस से पहले से लेकर 10 तक हमारे 10 पॉइंट है जिनके आधार पर चेक किया जाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कहां रैंकिंग करें। अब जैसे मैंने बताया बीआरएपी प्रोग्राम होता है हर साल, उसमें स्टेट्स की रैंकिंग बनती है, स्टेट्स की रैंकिंग बनती है राज्यवार चार श्रेणी में। पहला क्या आता है हिंदी के अंदर में तो बहुत आसान है, सीट्स उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य, यानी कि टॉप अचीवर्स कौन कौन से हैं। दूसरा आएगा अचीवर्स कौन कौन से हैं, लक्ष्य हासिल करने वाले श्रेणी के अंदर में, यानी एक तो कुछ लोग होंगे जो सबसे ऊंची रैंकिंग है, उसके बाद सिंपल लक्ष्य हासिल जिन्होंने पूरा पूरा ही किया। फिर आते हैं आकांक्षी श्रेणी, राजस्थान इस श्रेणी के अंदर में आता है अभी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर में एस्पायर कैटेगरी, हम एस्पायर कर रहे हैं कि हम ये चीज अचीव कर लेंगे लेकिन अभी तक हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं है, पहले हम यहाँ पे अचीव वाले के अंदर तक पहुंच गए थे टॉप यहाँ पे अचीवर कैटेगरी के अंदर में, लेकिन वापस हम किस में आ गए हैं आकांक्षी श्रेणी, यानी अगर आपसे पूछ ले जाए इंग्लिश में देख लेना एस्पायर कैटेगरी के अंदर में राजस्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर में आता है, ठीक है। और वो एक होता है चौथा उभरते हुए व्यापार इकोसिस्टम श्रेणी, कुछ राज्य है जहां पे आपको सिंपल इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम ही स्थापित कर रहे हैं, अभी तक वो एस्पायर में भी नहीं आए हैं, अभी तक उनका बिजनेस एस्टेब्लिश ही हो रहा है, कुछ एक ऐसे राज्य है जहां पे इंडस्ट्री इतनी डेवलप हुई नहीं है। तो कितना बना रहे हो आप? चार आपके पास में है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से। राजस्थान किस में आता है? आकांक्षी श्रेणी यानी एस्पायर कैटेगरी के अंदर आता है, कन्फर्म है। अब आ जाओ निवेश संवर्धन ब्यूरो, बेसिकली बताऊं निवेश संवर्धन ब्यूरो क्या होता है कि जब आपके पास बड़े पैसे मान लो 1000 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको हैंडल कौन करेगा, इतना सारा पैसा आ रहा है तो बहुत भारी जब आपके पास अमाउंट आता है 1000 करोड़ हो गया 2000 करोड़ रुपए का निवेश करना है तो उसको राजस्थान सरकार ने बोला कि हैंडल करने के लिए एक आपके पास ब्यूरो होना चाहिए, वो ध्यान देगा इस पे, वो कौन सा होगा? निवेश संवर्धन ब्यूरो यानी बीआईपी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, वही प्रमोशन करेगा, वही इन्वेस्टमेंट को हैंडल करेगा। तो ये क्या है? निवेश से संबंधित मुद्दों की त्वरित समाधान हेतु, 1000 करोड़ का कोई आया प्रोजेक्ट और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, जितने भी उसको रेगुलेशन वगैरह समझाने थे, कोई भी काम करना था, अगर ध्यान नहीं दिया तो वो वापस चला जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट से निवेश से संबंधित मुद्दे हैं उनका त्वरित समाधान चाहिए होता है, इनका सोल्यूशन करना होता है, इसके लिए अलग से एक निवेश संवर्धन ब्यूरो बनाया गया, ये भी आया हुआ क्वेश्चन। बीआईपी
10 करोड़ से अधिकता वाले निवेश प्रस्तावों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टेट इंपावर्ड कमेटी के लिए नोडल एजेंसी है। पहले क्या करती है, स्टेट के हिसाब से एक स्टेट इंपावर्ड कमेटी बनाई जाती है कोई भी निवेश होता है तो उसके संबंध में। अब जो स्टेट इंपावर्ड कमेटी है वो बनती है, कोई भी एक मुख्य सचिव होगा आपका उसकी अध्यक्षता के अंदर में, और वो किसको रिपोर्ट करती है, कौन उसकी नोडल एजेंसी कौन होती है, वो बनाई गई निवेश संवर्धन ब्यूरो। स्टेट इंपावर्ड कमेटी नोडल की नोडल एजेंसी आगे जाके किसको रिपोर्ट करेगी, ब्यूरो को, इसको करेगी बीआईपी को, निवेश संवर्धन ब्यूरो को। अब इन्होंने बता दिया किसके लिए, 10 करोड़ से ऊपर के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, नहीं तो नहीं बनेगी। 10 करोड़ से नीचे का प्रोजेक्ट है आप करो काम अपना, 10 करोड़ से अधिकता वाले निवेश प्रस्ताव है उनको पहले स्टडी करेगी स्टेट इंपावर्ड कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, और उनके लिए नोडल एजेंसी कौन से बना दी आपकी जाएगी, निवेश संवर्धन ब्यूरो के पास। ठीक है, स्टेट इंपावर्ड कमेटी अनुमति हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच करते हैं और मंत्रिपरिषद की सिफारिश प्रस्तुत करता है। वर्ष 1991 में बहुत पहले स्थापित हो गई थी, 1991 के अंदर में इसको स्थापना कर दी गई थी बीआईपी के अंदर में। तो समझ आ गया निवेश संवर्धन ब्यूरो का आपका। ठीक है, अब जो लेटेस्ट हुआ है वो क्या हुआ है आपका, राजस्थान के अंदर में आपने न्यूज पढ़ी होगी तो देखा होगा बहुत सारे निवेशकों को बुलाया गया था, बहुत सारे स्टार्टअप्स को पैसे अलोकेट किए गए थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो इस तरीके से एक इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने एक क्या किया था, राजस्थान के अंदर में निवेश बढ़ाने के लिए एक जो यहाँ पे आयोजन किया गया था उससे पहले का जो आयोजन है वो है निवेशक कनेक्ट प्रोग्राम। पहले हुआ था निवेशक कनेक्ट प्रोग्राम, ठीक है, उसके बाद जो मेन इवेंट हुआ था वो हुआ था निवेशक कनेक्ट प्रोग्राम। कहाँ कहाँ हुआ था सिंपल देखना और कुछ नहीं करना, अलवर के अंदर में पहले मान लो अप्रैल के अंदर में वो गए थे अलवर के अंदर में कि निवेशकों को कनेक्ट करते हैं कि हमारे एक कार्यक्रम होने वाला है जहां पे निवेशक आगे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो पहले बता अलवर के अंदर 7 अप्रैल को, वडोदरा अहमदाबाद गए फिर ये 9 जून को अप्रैल के बाद, फिर दिल्ली गए 24 अगस्त को, उसके बाद में जयपुर में हुआ 17 सितंबर 2022 को। तो ये आया था निवेशक कनेक्ट कार्यक्रम, कनेक्ट प्रोग्राम। मीट का उद्देश्य संभावित जो निवेशक है व्यापारिक नेता है उनके साथ बातचीत करना, राज्य की सभी को एक आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में पेश करना और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है। तो सारे निवेशकों को कनेक्ट करने के लिए 4 जगह के अंदर में मीट की गई थी, और वो किसके लिए की गई थी, इन्वेस्ट राजस्थान सम्मिट के लिए की गई थी। सितंबर में आ गए थे सबसे मिलके आगे कि हमारे यहाँ पे एक मीट होने वाली है, सम्मिट होने वाली है, इन्वेस्ट राजस्थान सम्मिट जिसका नाम देंगे, वहां पे आप सारे निवेशक आके राजस्थान के अंदर में निवेश कीजिए, राजस्थान में चली परियोजना पे निवेश कीजिए, चाहे वो कोई खेल गतिविधि है चाहे कोई अपना स्टार्टअप स्थापित कर रहा है उसके लिए। ये हुआ कब था याद कर लो, 7-8 अक्टूबर 2022 को, बहुत बड़ी इवेंट हुई थी इसलिए इसका डेट प्रॉपर याद कर लेना, 7 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान सम्मिट हुई थी जयपुर के अंदर में, सीतापुरा जयपुर के अंदर में, जयपुर प्रदर्शनी सम्मेलन के अंदर है पूरा जयपुर के अंदर में ही हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पे इसका भागीदार कौन था, अगर निवेशक आ रहे हैं तो राष्ट्रीय लेवल पे इसको आयोजन करने में किसने सहायता दी थी, भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई है, ठीक है, उसने किया था, भारतीय उद्योग परिसंघ। ये पूछा जा सकता है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट के अंदर में राष्ट्रीय भागीदार कौन था, भारतीय उद्योग परिसंघ था इसका सीआईआई, याद कर लेना। 51 परियोजनाओं का इसके अंदर में आकर लिखने को बोल दिया जाए इन्वेस्ट राजस्थान समिट, तो क्या लिखोगे, ऐसा तो वेग आंसर आता है, वैसे अगर देखते हैं तो कि आए ठीक है निवेशक आए और उन्होंने निवेश करके चले गए, हुआ तो यही था। लेकिन अगर 5 नंबर में लिखने को आ जाता है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, कुछ तो डाटा लिखना पड़ेगा, उसमें क्या लिखेंगे कि लगभग 51 परियोजनाएं उनका उद्घाटन किया था, कुछ लगभग 51 जो है परियोजना है उनका उद्घाटन किया गया था, नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 का शुभारंभ भी इसी के अंदर में हुआ था। अभी देखा था ना हमने निवेश प्रोत्साहन योजना सबसे पहले वाली जो देखी थी 2022 है ना, उसका शुभारंभ भी कहां से किया गया था, इसी से किया गया था, इन्वेस्ट राजस्थान समिट के अंदर में से किया गया था। 10.44 लाख करोड़ के एमओयू यहां पे साइन किए गए थे, कितने 10 लाख करोड़ के, इसलिए बोल रहा हूं बड़ी समिट थी, 10 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट इतना वो करके गए हैं अलग अलग लोग। और राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, 6 गणमान्य ऐसे लोग हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं उनको यहां पे आए हैं, उनके जो पुरस्कृत करने के लिए राजस्थान रत्न पुरस्कार प्रोवाइड किया गया था, किसको 6 लोगों को, सिंपल लिखना, नाम नहीं हमें लेना देना, लेकिन अगर इन्वेस्ट राजस्थान समिट से संबंधित कुछ आ जाए तो उसमें लिखने के लिए ये काम आएगा। ठीक है, क्या हाँ MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, दो पार्टी होते हैं ना, एक अब जैसे किसी ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया 50 करोड़ रुपए तो वो कुछ तो साइन करेगा ना जिसके साथ किया है, है ना, तो उस उनको बोलते हैं MOU। MOU का मतलब है कि जितनी भी पार्टीज ने निवेश किया है और कौन से सिस्टम के अंदर में, मान लो किसी प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया, किसी स्टार्टअप के अंदर में इन्वेस्ट किया है, तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, है ना, तो वो बताता है कि कितने पैसे का हुआ है। तो टोटल मिला के हमने देखा 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने, ठीक है, MOU।
यहाँ पे, और देख लिया कितना क्या लिखना है, 7-8 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जयपुर के अंदर में हुआ था, राष्ट्रीय भागीदार इसके भारतीय उद्योग परिसंघ थे, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार की एक पहल थी, 51 परियोजना का उद्घाटन किया गया था, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 का भी इसमें शुभारंभ किया गया, यहाँ पे 10 लाख करोड़ रुपए के लगभग MOU साइन किए गए, तो इसे बता देंगे हम टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है लगभग इसके थ्रू, और राजस्थान रत्न पुरस्कार 6 गणमान्य व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से इसके दौरान सम्मानित किया गया था, तो आपका 5 नंबर इसमें कवर हो जाएगा अगर आपके इन्वेस्ट राजस्थान सबमिट आ जाती है। ठीक है, अब आता है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ये सेम इज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात आ जाती है कि आपको काम करना है तो जितना भी आपको जितना भी काम करना पड़ रहा है तो उस वो एक सिंगल विंडो के पास में होना चाहिए, यानी सिंगल विंडो एक ही जगह पे आपको सारी क्लियरेंस मिल जानी चाहिए, इसके लिए एक सुविधा लाई गई थी, ये समयबद्ध विभिन्न लाइसेंस आपको चाहिए, अनुमति चाहिए, अनुमोदन चाहिए, तो इसके लिए यह लाया गया था SWS के तहत दिसंबर 2022 तक 15 विभागों के 140 सेवाएं। अब बोलोगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है एक सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया उसके अंदर में, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सारी सेवाओं के लिए अभी तक ये चालू नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा आपके लिए, कितने विभाग के लिए ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम चल रहा है राजस्थान के अंदर में, कितने विभाग है 15, और उसकी कितनी सेवाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, कितनी सेवाएं दी जा रही है, पहले 105 थी अब बढ़ा के 140 कर दी गई, धीरे धीरे बढ़ेगी सेवाएं, तो कि एक हर सेवा के लिए होता ना एक प्रोग्राम के लिए, वो है कि नहीं, वहां पे सारा सिस्टम तो बनना चाहिए पूरा सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए, तो सारा पंजीकरण से लेकर लाइसेंस मिलेगा आपको, अनुमति मिलेगी, जितनी भी परमिशन चाहिए वो सारी हो सके, वो कितनी सेवाओं के लिए अभी तक चालू किया गया है 140 सेवाओं के लिए, 15 विभाग की 140, पहले 105 सेवा थी अब 140 कर दी गई आपकी। ठीक है, एक आता है वन स्टॉप शॉप आपका, यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट से संबंधित आपका टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें लिखने काम आएगा, अलग से नहीं पूछा जाएगा, वर्तमान सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को सुदृढ़ बनाने, निवेश प्रस्ताव को और अधिक प्रभावी रूप से सुविधा प्रदान करने, शीघ्र अनुमोदन एक स्थान पर समयबद्ध तरीके से प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप शॉप की सुविधा BIP द्वारा दी जा रही है, जो हमने BIP किया था वो BIP वन स्टॉप शॉप है, वो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ही है, उसको और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए उन्होंने BIP ने क्या जारी किया, वन स्टॉप शॉप जारी किया, उसमें वो सेम काम होगा जो सिंगल विंडो क्लियरेंस के हिसाब से कर रहा है लेकिन बड़े स्केल पे कर रहे हैं। इसके तहत निवेश प्रस्तावों को स्वीकृत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया। ये क्या कर रहे हैं कि इसमें देखो अध्यक्षता भी कौन कर रहा है, CM कर रहा है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बना दिया उन्होंने, उसके अध्यक्षता करेगा CM, वो वहां पे सारे जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके अनुमोदन से लेकर जो सेम काम जो सिंगल विंडो क्लियरेंस कर रहा था वो वन स्टॉप शॉप यहां पे बड़े प्रोजेक्ट के लिए आ गया, इतना समझ लो। इसके तहत एक ऑनलाइन पोर्टल बना देंगे, राजनिवेश पोर्टल, उसके साथ से आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सक्षम और निकासी अधिनियम 2020 जो है 16 सितंबर 2020 को अधिनियमित इसके लिए किया गया, तो अभी का है BIP ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया है, जहां पे जितने बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके रिलेटेड जितनी भी आपको परमिशन चाहिए वो सारी आपको यहां पे ऑनलाइन जो राजस्थान निवेश पोर्टल है उसके थ्रू आपको मिल जाएगी। इसके लिए क्या करोगे आप कि उद्यम एकल खिड़की जो है अधिनियम आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया है, तो वो अधिनियम अभी 16 सितंबर 2020 को लेके आए हैं। ठीक है, समझ आ गई ये बात। अब राजस्थान राज्य लास्ट वाला रहता है आपका RICO, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 योजनाएं थी, एक ले आया हूं मैं, RICO ले आया हूं, उसके बाद RFC आता है आपका। ठीक है, 2-3 और है, वो हम अगली वाली क्लास में करेंगे, अभी इस क्लास में सिर्फ राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम की स्थापना की गई थी, RICO की स्थापना, एक स्थापना कब की गई थी, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 28 मार्च 1969 को आपका आता है राजस्थान राज्य औद्योगिक खनिज विकास निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक खनिज विकास निगम आता है, याद कर लो 28 मार्च 1969 को, लेकिन इसमें देखो खनिज से संबंधित है, मिनरल वाले भी है और औद्योगिक विकास से संबंधित है, फिर उन्होंने सोचा कि ये दोनों तो बहुत ही सेपरेट इंडस्ट्री है, मिनरल इंडस्ट्री अलग होती है आपका, मिनरल खनन से रिलेटेड है वो, और औद्योगिक विकास से रिलेटेड अलग अलग है, तो इसको इनको 1 जनवरी 1980 को इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, किसको, अब ये क्या बन गया, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम लिमिटेड RICO अलग से बन गया, और राजस्थान राज्य खनिज विकास लिमिटेड है वो अलग से बन गया, खनिज विकास वाला आपका अलग है हो गया, और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम लिमिटेड आपका अलग बन गया। तो सबसे पहले आपको डेट पूछ ली जाए तो वो कौन सी डेट है, 1 जनवरी 1980 को आपको बना दिया गया था इसको। राज्य में निवेश आकर्षित करने, सिंपल सी बात है, औद्योगिक अधोसंरचना जो फंडामेंटल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही करने के लिए लघु मध्यम और वृहद औद्योगिक इकाई है उनको विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रबंध की सहायता प्रदान करना इसका काम है। आपको पूछ लिया जाए ये क्या काम करता है, क्या वर्क करता है ये RICO के, काम क्या है, 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे, निवेश को आकर्षित करना, बेसिक जो फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना, लघु मध्यम जो MSME की बात करी थी, वृहद जो औद्योगिक इकाई है उनमें कितनी भी प्रकार की वित्तीय सहायता की बात करी थी वो प्रोवाइड करना, तकनीकी सहायता प्रोवाइड करना, प्रबंध के मैनेजमेंट से संबंधित सहायता प्रदान करना, जितना भी हमने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, MSME सेक्टर हो चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, वो सारा काम कौन करता है, यहाँ पे राज्य के अंदर RICO कर रहा है। ठीक है,
अब रिको के अंदर में प्रीलिम्स में से क्या क्वेश्चन आएगा, मेंस का तो चलो आपको आगे ऑब्जेक्टिव, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आएगा कि रिको ने इसके तहत एग्रो फूड पार्क की स्थापना करी है, जापानी क्षेत्र के अंदर में बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलप किए हैं, उनके नाम क्या है। तो सबसे पहला काम आता है रिको ने विशेष पार्क जोन का जो विकास किया उसमें आता है एग्रो फूड पार्क, एग्रीकल्चर फूड पार्क की स्थापना करिए, एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड वहां पे जितने भी इंडस्ट्री है उनको सहायता देने के लिए। वो पार्क क्या है, कितने हैं, पहले सबसे पहले तो पूछा जाता है चार है, चार एग्रो फूड पार्क है, कहां कहां पे ये पूछा जाएगा, बोरनाडा जोधपुर, दूसरा है कोटा अलवर श्रीगंगानगर, कहां कहां पे आपका बोरनाडा जोधपुर, फिर रहेगा कोटा, फिर रहेगा अलवर और फिर रहेगा आपका श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर अलवर कोटा बोरनाडा जोधपुर, ये चार रहेंगे आपके एग्रो फूड पार्क, याद कर लो ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र फिर आता है आपका तिवारी जोधपुर में किसकी स्थापना की गई है, कृषि एवं खाद्य प्रशिक्षण प्रसंस्करण क्षेत्र, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बोला जाए एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन, अगर एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन इसकी स्थापना कहां पे करी है सीधा पूछा जाएगा, तो कहां पे है, तिवारी जोधपुर के अंदर में करी किसने है, रिको ने करी ठीक है। तो तिवारी जोधपुर के अंदर में कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है ठीक है। इसके अलावा दो जापानी क्षेत्र है वो स्थापित किए जा रहे हैं, कहां पे, नीमराणा, सीधा नाम आता है नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र जिला अलवर, दूसरा भी गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर, दोनों के दोनों आप अलवर के अंदर में स्थापित किया जा रहा है जापान की सहायता से, जिसको बोला जापानी क्षेत्र बोला जाएगा। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो कौन से हैं, दो है, निमराना औद्योगिक क्षेत्र है वो भी अलवर के अंदर में है, दूसरा क्या रहेगा, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र है वो भी अलवर में। ये मेंस और प्रीलिम्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें ये रिको से रिलेटेड है वो पूछे जाते हैं आरपीएससी, कुछ होते हैं ना फेमस सवाल होते हैं आरपीएससी के जो पूछे पूछे जाएंगे, यही है। जो कितने हैं, चार एग्रो फूड पार्क है उनके नाम याद होने चाहिए, कृषि खाद्य प्रशिक्षण क्षेत्र याद होना चाहिए, तिवारी जोधपुर के अंदर में है, नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र पूछा जाएगा कहाँ, अलवर के अंदर में, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र पूछा जाएगा कहाँ पे, अलवर के अंदर में, और करवा कौन रहा है इसकी, कौन कर रहा है, रिको कर रहा है ठीक है। अब आता है आपका दो विशेष आर्थिक जोन, एससीजेड पता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एससीजेड बेसिक इकोनॉमिक्स करेंगे तब और बता दूंगा, बाकी क्या होता है कि एक इकोनॉमिक जोन घोषित कर देते हैं एक एरिया को जहां से आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हो, तो उसके अंदर में आपको एक्स्ट्रा सब्सिडी या एक्स्ट्रा प्रोत्साहन दिया जाता है कि इस एरिया के अंदर में जितने भी इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके अंदर में आपको स्पेसिफिकली सस्ता किया जाता है माल, ताकि आप इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव हो उसको, क्योंकि इंटरनेशनली अगर वही माल आपका सस्ता जा रहा है और अवेलेबल है किसी और कंट्री का तो वो बिकेगा नहीं, तो अपना जो प्रोडक्ट है उसको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट से ज्यादा ओरिएंटेड बनाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे रिको से रिलेटेड कौन कौन से, रतन और आभूषण से है प्रथम और द्वितीय, दो बनाए आपने, पहला और दूसरा बनाया रतन और आभूषण से संबंधित, अब पहले शुरू किया था, अब तो मल्टी प्रोडक्ट हो गया, एससीजेड है कहां पे, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, इंपॉर्टेंट ये है। जो जेम्स और ज्वेलरी है, वैसे भी किसकी फेमस है, जेम्स और ज्वेलरी तो जयपुर के फेमस है, तो जेम्स और ज्वेलरी से रिलेटेड प्रथम द्वितीय, अब मल्टी प्रोडक्ट भी आते हैं, जेम्स और ज्वेलरी में कोई लेना देना नहीं, जेम्स और ज्वेलरी से रिलेटेड है एक तो एससीजेड, वो कहां पे है, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के अंदर, दूसरा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है वो किसके अंदर में, जयपुर के अंदर। तो रिको के द्वारा स्थापित किया गया जो है एससीजेड का नाम लिखो, सिंपल दो नंबर का सवाल आएगा, आपको दो के दो आंसर पता होनी चाहिए, एक तो जेम्स ज्वेलरी जो है रतन आभूषण से संबंधित सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के अंदर में, और दूसरा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर के अंदर में ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ज्यादा आपको होचपोच हो जाएगा, इसका पूरा रिविजन करते रहना, प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन बना लेंगे, जब एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा शायद एक या दो लेक्चर और लगेंगे इंडस्ट्रियल चैप्टर वाले के लिए। आज की क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच।